व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं कोलकाता डॉक्टर न्यूज, कौन मिटा रहा है सबूत। तो पूरी वीडियो है आज रौनक की, फनतंत्र का एपिसोड है, लेकिन आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से मॉब भी आ गई थी वहां पर, हर एक चीज। तो देखते पूरी वीडियो, फिर करते हैं इस पे बात। 1 2 3 गो। दोस्तों 9 अगस्त को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप के बाद जिस तरह की खबरें आ रही है वो बहुत ही शर्मनाक है। पहले तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसने पूरे देश का सिर नीचा कर दिया। फिर पता चला कि इस रेप को अस्पताल की तरफ से शुरू में सुसाइड बताने की कोशिश की। हाँ। फिर ये खुलासा हुआ कि जिस बंदे ने ये किया है वो तो पुलिस का ही वॉलंटियर था। फिर किसी का बयान आता है कि लड़की इतनी रात में अकेले क्या कर रही थी। फिर वारदात वाली जगह के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन करने के नाम पर तोड़फोड़ करके सबूत मिटाने की कोशिश की गई। और 14 अगस्त की देर रात जो हुआ उसने तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। सैकड़ों की भीड़ हॉस्पिटल पर धावा बोलती है। जिस जगह पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसी मंच को तोड़ दिया जाता है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के साथ मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, ये लोग हॉस्पिटल में घुसकर इमरजेंसी वार्ड, नर्सिंग स्टेशन और बाकी कई हिस्सों को बुरी तरह तोड़ देते हैं। टीएमसी की तरफ से कहा जाता है कि तोड़फोड़ करने वाले बीजेपी और लेफ्ट के गुंडे थे। अच्छा। मगर सवाल ये है कि जो प्रदर्शनकारी उस लड़की के लिए इंसाफ मांग रहे थे वही लोग प्रदर्शन वाली जगह पर तोड़फोड़ क्यों करेंगे? इसका मतलब साफ है कि प्रदर्शनकारियों के नाम पर गुंडों की भीड़ ने जानबूझकर हॉस्पिटल में घुसकर फिर से सबूत मिटाने की कोशिश की है। और अगर ऐसा है तो किसी भी सोसाइटी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और घिनौनी बात और क्या हो सकती है? पहले तो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है, इससे ज्यादा बुरी बात किसी समाज के लिए और क्या हो सकती है? एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी के 10-12 साल डॉक्टरी की पढ़ाई को दी, जो आधी रात को जाकर अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रही थी। अस्पताल में नाइट ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स के आराम के लिए कमरा नहीं था तो उसे सेमिनार हॉल की कुर्सियों पर सुस्ताकर आराम करना पड़ा। वो बेचारी दिन भर की थकान दूर करने के लिए लेट रही थी, तभी एक वॉलंटियर पुलिस का जिसकी ये ड्यूटी थी कि अस्पताल में कुछ गलत न होने दे, वहां आए लोगों को वो सेफ्टी दे, वही वॉलंटियर शराब पीकर न सिर्फ उस सेमिनार में घुसता है, उस ट्रेनी डॉक्टर को जानवरों की तरह मारता है, उससे घिनौना काम करता है, उसकी जान ले लेता है, फिर वहां से चला जाता है। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा होता है उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। उस बेचारी की गर्दन तोड़ दी गई थी, आंखें फोड़ दी गई थी, उंगलियां तोड़ दी गई थी और उसके शरीर का शायद ही कोई हिस्सा था जिस पर हमला न किया गया। आप ही सोचिए, अगर किसी इंसान को इतनी बुरी तरह मारा गया हो, उसके साथ रेप हुआ हो, उसके शरीर के निचले हिस्से पर कोई कपड़ा ना हो, तो क्या पहली नजर में उसकी बॉडी देखकर किसी मूर्ख को ये नहीं पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ होगा? हाँ। बिल्कुल पता चलेगा। सुसाइड बताने मगर हाँ। फिर क्या वजह थी कि अस्पताल की तरफ से लड़की के घर वालों को पहली बार जब फोन किया गया तो उन्हें यह बताया गया कि लड़की ने सुसाइड कर ली? अब ये सब सुनकर किसको गुस्सा नहीं आएगा? एक महिला को इतनी बेरहमी से मारा गया, उसकी इज्जत लूटी गई, उसकी आंखें फोड़ दी गई और अस्पताल वालों को ये तक दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके साथ क्या हुआ, वो इसे सुसाइड बताने पर क्यों तुले हुए थे? आज कोलकाता पुलिस का इस बात से बड़ा ईगो हर्ट हो रहा है कि लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम लोगों ने भरोसे लायक काम किया क्या? जिस संजय राय पर लड़की के साथ रेप का इल्जाम लगा उसकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री थी? क्या पुलिस को नहीं पता था? उसके 3-3 तलाक हो चुके थे, वो बीवियों को पीटता था, उसकी बीवी ने पुलिस तक में पिटाई की शिकायत कर रखी थी। क्या ये बात पुलिस को नहीं पता थी? वो दारू पीता था, हिंसक पॉर्न देखता था, आस पड़ोस की औरतों को वो छेड़ता भी था, अस्पताल में एडमिशन दिलाने के बहाने लोगों से रिश्वत लेता था। मतलब जो आदमी जेल में होना चाहिए था उसे अस्पताल की पुलिसों की पिटा रखा था। उसके बाद भी इन्हें शर्म नहीं आती? इन्हें अफसोस हो रहा है कि लोग हम पर शक क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, संजय राय तो पुलिस का वॉलंटियर था, पुलिस डिपार्टमेंट में तो था नहीं, फिर किस हैसियत से वो पुलिस बटालियन की बैरक में रुकता था? यहां तक कि जिस रात उसने वारदात को अंजाम दिया था तब भी वो वापस जाकर पुलिस बटालियन में ही सो गया था। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। घर पर किराएदार भी रखा जाता है तो कानून कहता है कि भैया हाँ। इसका पुलिस वेरिफिकेशन करवा लो। फिर हमें ना कहना कि कुछ हो गया था, यहां पुलिस वाले ही अपने बंदे का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे। जो आदमी खुद सोसाइटी की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा था उसी आदमी को लोगों की सुरक्षा में लगा रखा था। और फिर लोग तुम पर गुस्सा हो जाएं तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता है। जो करना है और जो किया जाना चाहिए वो तो होता नहीं है और अहंकार और ईगो दुनिया भर का पाल कर बैठे हो। और जैसे कि मैंने कहा कि एक आदमी या एक बात ही अगर शर्म की हो और बाकी लोग अगर अपना किरदार ठीक से निभा रहे हो तो भी आदमी तसल्ली कर ले। ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हो जाता है, उस पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर कई घंटों तक कोई एक्शन नहीं होता, सोशल मीडिया पर प्रेशर पड़ता है तो उसे रिजाइन करना पड़ता है, मगर 12 घंटे के अंदर ही उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी अख्तर अली ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में संदीप घोष जैसा करप्ट आदमी आज तक नहीं देखा। यह आदमी हर काम में 20% कमीशन लेता था, पोस्टिंग से लेकर हाउस शिफ्ट तक हर काम में पैसे खाता था, ये स्टूडेंट्स को शराब पिलाता था, उसने माफिया राज फैला रखा था, अपना भौकाल बनाने के लिए अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लोग अस्पताल में रखता था। अख्तर अली ने कहा कि मैंने खुद इस आदमी के खिलाफ शिकायत की थी मगर कुछ नहीं हुआ। हमें नहीं पता कि इन इल्जामों में कितनी सच्चाई है, मगर ये इल्जाम अगर 10% भी ठीक है
तो इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है। मतलब जिस मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर नाइट ड्यूटी कर रही थी वहां रात को सुस्ताने का इंतजाम नहीं, तो प्रिंसिपल के जिस सेमिनार हॉल में वो आराम करने गई थी उसके आसपास के सीसीटीवी खराब थे। जिस पुलिस वॉलंटियर को वहां लोगों की सुरक्षा देखनी थी वो खुद हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल था। और जिस कॉलेज प्रिंसिपल को इन सारी चीजों पर नजर रखनी थी अगर वो भी करप्ट था जैसा कि अख्तर अली कह रहे हैं तो ऐसे क्राइम को कौन रोक सकता था। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ताजा सबूत मिले हैं उसके बाद डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि लड़की के साथ एक से ज्यादा लोगों ने घिनौना काम किया। उसमें जो अगर ऐसा है तो ये साफ हो जाता है कि क्यों शुरू में इस मामले को सुसाइड बताया जा रहा था, क्यों अस्पताल आने के बाद भी लड़की के घर वालों को 3 घंटे तक उसकी बॉडी नहीं दिखाई, क्यों कुछ लोग दबी जबान में ये बात बोल रहे हैं कि लड़की इतनी रात में अकेले वहां क्या कर रही थी। इन सारी बातों को लेकर आज लोगों में भारी गुस्सा है। गुस्सा बनता है और होना भी चाहिए, मगर इस देश में कुछ लोगों की सोच इतनी सड़ चुकी है कि चाहे कितना भी बड़ा हादसा हो जाए, किसी के साथ कुछ भी हो जाए, उन्हें पहले ये देखना है कि वो घटना किस स्टेट में हुई है, जिसके साथ हुई है उसकी जाति क्या है। कोलकाता के केस में भी यही हुआ है। देश के कुछ भावी प्रधानमंत्रियों को 5 दिन लग गए ये समझने में कि इस मामले पर ट्वीट करना चाहिए। कुछ बड़े यूट्यूबर्स की अब तक इस पर जबान नहीं खुल रही है। कुछ लोग तो ट्वीट डिलीट करके फरार हो गए। प्रेशर पड़ा तो फिर से रस्म अदायगी करने आ गए। यूपी के किस शहर की किस गली के किस मोहल्ले में किसके साथ क्या हुआ है इन लोगों को सब मालूम होता है, क्योंकि वहां तो कुछ गलत होता है तो उसे उछालने पर इनकी राजनीति सदती है। मगर कोलकाता में निर्भया कांड जैसा घिनौना कांड हो गया, लेकिन ये लोग अब भी कैलकुलेटर लेकर ये हिसाब लगाने में लगे हैं कि इस मामले पर अगर कुछ बोल दिया तो दूसरी पार्टी को फायदा तो नहीं हो जाएगा, मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कम तो नहीं हो जाएंगे। आखिर हर धंधेबाज को आखिर में ख्याल तो अपने कस्टमर का ही रखना पड़ता है। गोलगप्पे की रेडी पर भी लिखा होता है कि ग्राहक ही भगवान है। तो इन लोगों का यूट्यूब ठेला तो फिर भी गोलगप्पे की रेडी से ज्यादा बड़ा हो चुका है, नहीं बताइए आप ही कमेंट करके। भाई लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हादसा भले ही कोलकाता में हुआ है मगर ये सिर्फ कोलकाता से जुड़ा नहीं है। आज देश भर में डॉक्टर हड़ताल, मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं उनकी वजह यही है कि पूरे देश में सरकारी अस्पतालों का आज यही हाल है। वहां ट्रेनी डॉक्टर्स को 48-48 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। कमर सीधी करने के लिए एक रेस्ट रूम तक नहीं होता, साफ टॉयलेट नहीं मिलता, खाने का बुरा हाल है, देखने के लिए इतने मरीज होते हैं, ऊपर से हॉस्पिटल में होने वाली पॉलिटिक्स अलग, वहां स्टाफ की शक्ल में घूम रहे संजय राय जैसे पोटेंशियल रेपिस्ट होते हैं। सरकारें ये समझती ही नहीं है कि एक डॉक्टर को तैयार होने में एक पायलट जितना या उससे ज्यादा वक्त लगता है। किसी भी सोसाइटी में एक डॉक्टर होने का मतलब है कि उस देश की हजारों की आबादी को सिक्योरिटी दे, मगर एक डॉक्टर ही अगर अनसेफ फील करेगा, बेइज्जती फील करेगा, एक्सप्लॉइटेड फील करेगा तो कौन काम करेगा ऐसे सिस्टम में बताइए। यही रीजन है कि इन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं टिकते, या तो वो अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, बड़े प्राइवेट अस्पतालों से जुड़ जाते हैं, और जिन्हें मौका मिलता है वो विदेश भाग जाते हैं। मतलब जो सरकारी तंत्र इन डॉक्टर्स को तैयार करने में लाखों रुपए लगाता है वही सरकारी सिस्टम अपने निकम्मेपन की वजह से इन डॉक्टर्स को अपने साथ नहीं रख पाता। आज देश भर में जो डॉक्टर्स का गुस्सा है वो सिस्टम के इसी निकम्मेपन के खिलाफ है। आज देश में हर सिटीजन का ये फर्ज है कि वो डॉक्टर्स के इस गुस्से को समझे। अगर आप प्रॉब्लम को थोड़ा और करीब से देखेंगे तो ये बात अस्पतालों से भी आगे देश के हर ऑफिस की है, वहां औरतों को और लड़कियों को मिलने वाले वर्किंग एटमॉस्फेयर की भी है। अभी महीना पहले नोएडा के एक ऑफिस में एक लड़की ने इसलिए सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसके ऑफिस के कुछ लोग उसकी बॉडी शेमिंग करते थे। कितनी लड़कियां ऐसी बेचारी हैं जो सिर्फ नौकरी बचाए रखने के लिए 15-20 हज़ार की तनख्वाह बनाए रखने के लिए हर दिन ऐसे टॉर्चर से गुजरती है। ऑफिस में उनका बॉस, उनके सीनियर जो उनको टॉर्चर करते हैं वो भी जानते हैं कि ये कहीं नहीं जाएगी। आज जो लोगों में गुस्सा है या जो निर्भया कांड के वक्त 2012 में लोगों में गुस्सा था वो इसी माहौल के खिलाफ था। मगर इतने सालों में हुआ क्या, न इतने सालों में सोसाइटी बदली, न पुलिस के काम करने का तरीका बदला और न ही अदालतों के रवैये में कोई चेंज आया। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक इस वक्त देश की अलग अलग अदालतों में 4,40,00,000 केसेस पेंडिंग, जिसमें 8% यानी 36,00,000 से ज्यादा केस महिलाओं की तरफ से किए गए। इनमें 45% मामलों में या तो वकील पेश ही नहीं होते या अपराधी जमानत लेकर फरार हो जाते। इसके अलावा 7% केसेस में ऊपरी अदालतों का स्टे है। पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि औरतों के खिलाफ होने वाले इन क्राइम्स को 6 महीने में निपटाया जाए, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। मार्च 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि पुलिस औरतों के साथ होने वाले क्राइम में थोड़ी संवेदनशील बने। इसी साल अगस्त 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ऐसे मामलों को 2-3 महीनों में निपटाए। अक्टूबर 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि यह अदालत की ड्यूटी है कि वो ऐसे मामलों को पूरी सीरियसनेस के साथ टाइम पर निपटाए। सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि औरतों के साथ रेप के मामले में अदालतों को लंबी तारीख देने से बचना चाहिए। इसी तरह अगस्त 2021 और अक्टूबर 2023 को गुवाहाटी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने
औरतों के साथ होने वाले क्राइम के मामलों को लेकर तेजी लाने की बात की थी, मगर सिर्फ बात कुछ ही करी थी, करा किसी नहीं ने कुछ नहीं। ऐसे मामलों में या तो पुलिस चार्जशीट दायर नहीं करती, चार्जशीट दायर हो जाती है तो बार बार कोर्ट में जाकर और टाइम मांगती है, फिर कोर्ट तक जांच के डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचते, निचली अदालतें बार बार तारीख देती रहती हैं, इंपॉर्टेंट गवाहों को पुलिस अदालत में पेश नहीं कर पाती, निचली अदालतें कार्रवाई पर स्टे लगा देती है और आरोपी जमानत मिलते ही फरार हो जाता है। अब आप ही बताइए, जिस समाज में औरतों के लिए ऐसे हालात हों जहां वो न वर्कप्लेस पर सेफ फील करें, न सिस्टम उनका साथ दे और न अदालतें तेजी से काम करें, तो वो महिलाएं कहां जाएं? आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आजादी की 77वीं सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों में औरतों के लिए आजादी का क्या मतलब? आपकी सिस्टर या मदर 8 बजे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर आती है तो जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती आपकी सांस फूली रहती है, आप उन्हें कहीं अकेला नहीं भेज सकते, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ नहीं है, वो वर्कप्लेस में सेफ नहीं, वो सोशल मीडिया पर बुली की जाती है, ऐसे में उनके लिए इस आजादी के क्या मायने हैं? आप उनसे खुद पूछिएगा और फिर कमेंट करके बताइए। हो सकता है इस मुद्दे पर बात करते करते मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं रौनक भाई, आप जितना बोल रहे हो हालात उतने भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन हेलो, हालात कैसे हैं? इसका सही जवाब घर से निकलने वाली एक लड़की, एक औरत, आपकी माँ और आपकी बहन ही दे सकती है इसका जवाब। 10 मिनट उनसे बात कर लीजिए, सारा सच सामने आ जाएगा। मगर जैसे कि मैंने कहा कि समाज तो जैसा है उस पर हम बहस कर सकते हैं, उसे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, मगर ये देखकर ज्यादा दुख होता है कि जो अपने आप को सोशल कमेंटेटर्स कहते हैं, जिन्हें दुनिया के हर फटे में टांग घुसाने की आदत है, हर मुद्दे पर ज्ञान पेलने का शौक है, वो लोग कोलकाता के मामले पर ऐसे चुप होकर बैठ गए हैं जैसे किसी ने उन्हें जेब काटते हुए पकड़ लिया। बताइए, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर इस मामले पर कुछ बोले तो कहीं उनका मालिक उन्हें बिस्कुट डालना बंद न कर दे, उनके जिहादी समर्थक अपने फेवरेट सीएम के राज्य की आलोचना सुनकर उन्हें अनसब्सक्राइब न कर दे। इन सारे यूट्यूबर्स के लिए अपने जाहिल समर्थकों और जाहिल सब्सक्राइबर्स को साथ रखना, उन्हें खुश करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है बजाय एक रेप विक्टिम की आवाज उठाने की। लानत भेजता हूं मैं ऐसे लोगों की सोच पर। बाकी उम्मीद करते हैं कि कोलकाता में हुआ यह अफसोसजनक हादसा पूरी सोसाइटी के लिए एक सबक बने, वर्क प्लेस पर फीमेल स्टाफ की सिक्योरिटी को लेकर और अवेयरनेस आए, ऑफिसों में स्टाफ रखने से पहले उन लोगों का प्रॉपर बैकग्राउंड चेक हो ताकि दोबारा ऐसे हादसे न हो। कोलकाता का यह मामला चूंकि रेप से जुड़ा है, ऐसे मामलों में यूट्यूब एल्गोरिदम भी ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचने नहीं देता, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर इस वीडियो में कही बातें आपको सच्ची लगी हो, उनमें ईमानदारी लगी हो और अगर आपको लगे कि ये कंसर्न और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, घर की हर एक महिला तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। इस मामले पर हो रही सियासत पर अगर आपकी कोई राय है कॉमेंट करके जरूर बताना। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। एक चीज बताती हूँ, कल की जो एक वीडियो पर हमने रिएक्ट किया था ना, अभिनव की, हाँ, उसपे बंदे ने कमेंट किया हुआ था कि सबके सब व्यूज के लिए वीडियोस बना रहे हैं। हम में एक प्लेटफॉर्म अगर व्यूज के लिए बना रहे होते ना तो देखना उसमें ना तो कोई ऐड था। पहली चीज, जिसके वीडियो पे रिएक्ट किया है उसने क्लियर बोल दिया था खुद ऐड बंद किया, नहीं चलेगी, हमने खुद ऐड नहीं करा। तो तुम्हें इतनी शर्म होनी चाहिए, कम से कम हम इतनी हिम्मत तो दिखा रहे हैं कि जिस किसी प्लेटफॉर्म पे अगर हम छोटे मोटे लेवल पे तो आवाज तो उठा रहे हैं कम से कम। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे जर्नलिस्ट जा नहीं सकते, तुम्हारे जो फेवरेट न्यूज चैनल है या जो बड़े बड़े हैं, ठीक है, जो यूट्यूबर्स बनके बैठे हुए यूट्यूबर्स भी हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, उसमें से कौन आ गया बोलने के लिए? हमें तो बड़ी जल्दी बोल दिया कि व्यूज के लिए बना रहे, व्यूज के लिए बना रहे हैं, ठीक है, चार लोग भी कम से कम उसे देख तो रहे कि देश में कुछ हुआ है, सबको ये बोल दो ऐसे तो मेहनत से अपने पास ना ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कि हम स्टांस ले सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञान पेलने ना है कोई भी। दूसरी बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी सोच इतनी गंदी है ना, व्यूज के लिए बना रहे, व्यूज के लिए बना रहे, तो एक काम करो, खुद भी कुछ उठो करो, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल सी चीज बता रही हूँ, ये चीज फैक्ट है। जब तक इंसान पे खुद पे नहीं बीतती ना, तब तक वो नहीं समझ सकता। जब तक ये रहता है ना, एक चीज बताऊँ, हमेशा एक चीज देखना कि जिनके साथ होता है ना, वो कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग से पैदा हो के आए, भगवान जैसे हम जैसे ही लोग हैं, और हम जैसे ही लोग हैं जिनके साथ ये गलत हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि भाई एकदम से ये क्या हो गया, ठीक है, वो मेरे घर से भी हो सकता है, वो आपके घर से भी हो सकता है। तो इस चीज को थोड़ा मतलब यार, फिर क्या, एक बात बता, इसमें जात इतना का, जो ये सोशल मीडिया इसका 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 क्या फायदा है? मुझे एक चीज बताओ, सिर्फ ये वहां करके फोटो अपलोड करने के लिए है कि उस पे व्यूज आ गए, ओहो, उसी की जगह मैं कोई वैसे वीडियो डाल देती ना, आहा बहुत बढ़िया, मजा आ गए, मजे आ गए, इन चीज को बोल रहे ये व्यूज के लिए नहीं है कि जो जिन लोगों तक नहीं भी चाहिए, हमारी कोशिश है कि एटलीस्ट पहुंचे, कैसे भी पहुंचे, लोग अवेयर हो। राधे तो ज्ञान देने आ जाते हैं, राधे तो इसलिए नहीं समझते, ना तो उनकी वाइफ होगी ना उनका बेटी होगी, माँ तो होगी, अरे यार राधे तो मैंने देख लिया ना, टाइम पर होगी ना, बेशक पैदा होते उन्हें छोड़ के चले, लेकिन पैदा तो
कोई भी ना हो लेकिन इतना तो मानेगा, पैदा तो एक औरत से ही हुआ है ना, इतना तो आवाज उठाने का इतना तो होना चाहिए, इतना कौन सा खौफ है तुम्हें? तुम जिसके जिससे तुम पैदा हो, तुम अगर उसके लिए नहीं बोल सकते ना जिंदगी में, तो तुम तुम्हारी थू है। पॉलिटिक्स तो दुनिया खेलते भाई, ये तो हमने देखा, यूट्यूबर से भी हो गया, हर एक चीज हो गया, ठीक है, वो चीज अलग है, लेकिन ये जो और जो आज हुआ है ना, ये वो चीज नहीं है कि इसमें आप किसी की साइड ले रहे हो, किसी को गलत बता रहे हो, सही बता रहे हो। ये मैंने तो कल खुद बोला है, आपको स्टांस लेना पड़ेगा। राहुल गवर्नमेंट हो, मेरे को नहीं मतलब किसकी गवर्नमेंट है, एक बच्ची गई है, एक बात बता, क्या उससे पूछा था तू किसे वोट देती है, या जिसने करा है उसे पता उससे था कि ये इसे वोट देती है? इसमें कोई वोट को लॉजिक पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें नीयत, इसमें डर नहीं है। और जो ये था, ये इस चीज में बोलूंगी, बहुत सही बोला कि बेल मिलती फरार हो जाते हैं, फरार कर लो, कितनी जिस बंदे ने करा है ना, उसकी वाइफ ने भी उस पे असॉल्ट का वो करा था, अब कर लो वेरिफिकेशन। इसमें जब तक कोई पनिशमेंट, मतलब मुझे लगता है कि ये तो इतना घिनौना क्राइम है ना चिकू, कि एक तो ये जो कोर्ट में घिसटते हैं ना सालों साल, ये नहीं घिसटना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट सबने कह दिया भाई फास्ट ट्रैक करना चाहिए, बेल तो दो ही मत, ऐसे में तो बहुत होता है, कहना बेल तो दो ही मत उस बंदे को, कुछ नॉन बेलेबल, इतना मतलब आपका इतने बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा आपका सिस्टम है लॉज, क्या उसमें आपके सिस्टम में कोई एक क्राइम तो ऐसा होगा कि इसकी सजाएं बिल्कुल सीधा ही, समझ रहे, बिल्कुल मतलब लाइफ वो है इसकी जो सजा है, अपन यहाँ क्यों नहीं है वो सजा? वो भी तो खड़े हो जाते ना फिर कि ह्यूमन एक्टिविस्ट हो गए, मर गए सारे ह्यूमन एक्टिविस्ट जो उसके इतना इनह्यूमन वो उसके साथ हुआ है लड़की के साथ, अब कहाँ गए सारे ह्यूमन वाले, वो उसका साथ दे देंगे, बहुत बढ़िया है फिर तो। मिलते आपसे वीडियो के साथ।